हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आईटीएम यूनिवर्सिटी के बारे में, कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका था। आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो आपको जो है सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसमें आपको टाइप करना है आईटीएम यूनिवर्सिटी रायपुर 2023 आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहां पर आपको आईटीएम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन हम यहां पर क्लिक करेंगे, देन हम यहां पर न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहां पर दिया रहेगा आईटीएम यूनिवर्सिटी 2023 एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहां पर दिया गया, यहाँ पे यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है एंड 30 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका था। देन आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्ट, कोर्स एज क्वालिफिकेशन एंड देन गेट अ फ्री काउंसिल में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन यहाँ पर नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्ट हो चुका है। देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे एंड देन आपको जो है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। देन यहाँ पर दिया गया क्लिक हियर टू अप्लाई, एंड आप क्लिक करेंगे देन आप जो है आईटीएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आप ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे देखा आईटीएम यूनिवर्सिटी का रायपुर के बारे में दिया गया एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपना नेम, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट सिटी, सेलेक्ट लेवल, सेलेक्ट प्रोग्राम एंड देन सेलेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड देन आपको जो दिया गया कोड वो आपको टाइप करना रहता है। देन आपको आई ऑथोराइज पर क्लिक करके सब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना रहता है। बट अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो सिर्फ आपको अपना फुल नेम और अपना पासवर्ड टाइप करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना रहता है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर अपना सारा रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करते हैं। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे नो टैप में ओपन होंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो जीमेल आईडी है उसमें एक लिंक आएगा, देन आपको उस लिंक पे क्लिक करना रहेगा। देन आप जो है इस टैब में ओपन हो जाएंगे। देन यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है 1017 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फ़ीस है। देन यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे एंड देन आप जो है मेन पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लोडिंग हो रहा है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है अपना सेलेक्ट प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। देन यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम करना है एलएलएम, यहाँ पे बी कॉम है, एम कॉम है, जो इस लेवल में आपको चाहिए। स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको टाइटल डालना है मिस्टर या मिसेस है जो भी आप। देन आपको अपना नेम डालना है, अपना मिडिल नेम डालना है एंड देन यहाँ पर आपको लास्ट नेम डालना है अपना। देन यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है अपना। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर डालना है यहाँ पर, जो भी आपको व्हाट्सएप नंबर रहेगा आपको टाइप करना रहेगा एंड देन यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, अपना कौन से ईयर में, कौन से मंथ में आपको कौन सा डेट था आपका बर्थ डेट। देन आपको जेंडर क्या है, मेल या फीमेल या कैटेगरी क्या, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी या फिर जनरल जो भी है। देन यहाँ पे जो है कास्ट दिया गया है क्या आप ब्राह्मण हैं, पंजाबी हैं, जो भी आप हैं वो डालना रहेगा आपको एंड देन यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डालना, मतलब आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स है, विडोज हैं, जो भी आप हैं। देन यहाँ पे आपको अपनी रिलीजन डालने हैं कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं एंड देन यहाँ पे फिजिकली चैलेंज, जैसे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होता आपको, जैसे कि हैंडीकैप है या फिर आप जो भी हैं, अगर आप नहीं हैं कुछ भी तो आप नो पे क्लिक कीजिए, अगर हैं आप तो आप यस पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन हमें यहाँ पे आप अपना
एड्रेस डिटेल्स देनी रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है। देन आपको यहाँ पे अपनी कंट्री, अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सब दिया गया है। आपका एड्रेस क्या है वो डालना है, फिर आपको सेकंड एड्रेस क्या है वो डालना है, एंड देन आपको यहाँ पे पिन कोड डाल दिया अपनी। एंड अगर आपको परमानेंट एड्रेस है तो इस पर क्लिक कीजिए, और अगर नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे रिक्वायर्ड बस फैसिलिटीज़, मतलब अगर आपको बस की फैसिलिटीज़ चाहिए तो आप इस पर क्लिक कीजिए, नहीं चाहिए तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। एंड देन आप जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लोडिंग हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है फादर डिटेल, सब आपको देनी है अपनी। फादर का टाइटल डालना है, आप मिस्टर या मिसेज जो भी हैं आपके फादर। एंड देन उनका फर्स्ट नेम डालना है, उनका फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है उनका। एंड देन यहाँ पे उनका लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम डालना है। देन उनका मोबाइल नंबर उनके डाल, उनका मोबाइल नंबर जो भी है। देन मदर का टाइटल डालना है, मिस्टर या मिसेज जो भी हैं। एंड देन यहाँ पर जो है उनका फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है उनका, एंड देन उनका लास्ट नेम क्या है वो डालना है। देन यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डालना रहेगा। एंड देन आप चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देन हमें यहाँ पे आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी लोडिंग हो रहा है, इसमें कुछ थोड़े टाइम लगते हैं। एंड देन आपको जो है न्यू टैब में आप ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे दिया गया 10th का मार्कशीट, आपको मतलब 10th में आप कौन से स्कूल से पढ़े थे, फिर यहाँ पे आप सिटी क्या था, आपको मुंबई सिटी था या फिर आपके विलेज से, आपका बोर्ड यहाँ पे कहाँ पे गया था वो डालना है। एंड देन यहाँ पे स्ट्रीम नहीं दिया गया, डिग्री यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन से ईयर में पास हुए थे, आपको कितने परसेंटेज आए थे या फिर आपके कितने ग्रेड आए थे। देन 12th में आप कौन से कॉलेज से स्टडी किए थे, फिर आप सिटी क्या थी, एंड वो कौन से यूनिवर्सिटी से आप स्टडी किए थे, कौन क्या स्ट्रीम था, साइंस था, कॉमर्स था या आर्ट्स था। देन यहाँ पर जो है आपको ईयर ऑफ पासिंग देनी है। एंड देन यहाँ पर आपको कितना परसेंटेज या फिर आपको कितना ग्रेड आया था वो डालना है। एंड देन यहाँ पे आपको 12th का ग्रेजुएशन देना है, आपको कौन से स्टडी से स्टडी